दोस्तों आज का मेरा मैसेज आप सबके लिए है। आप बहुत एडवांस एथलीट हैं तब भी, आप बिगनर हैं तब भी, और आप नॉन एथलीट हैं तब भी, जिम के अंदर आप ट्रेनिंग करते हैं, इंजरी के 5 मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से आप इंजर्ड होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि आप जिम में आए और प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, मसल को रेडी नहीं किया, ये पहला रीज़न है इंजरी होने का। दूसरा, आप बिगनर हैं, आपको नॉलेज कम है किस पोस्चर में किस एक्सरसाइज को करना है, उसकी अभी नॉलेज नहीं है, तो पहले उसी पे काम करें। जो भी आपको रूटीन दिया, पहले सभी एक्सरसाइज के पोस्चर पे काम करना है कि सही पोस्चर क्या है इसको करना है, ताकि जिस मसल की एक्सरसाइज है उसी पे लोड आए। तीसरा, जो एडवांस एथलीट गलती करते हैं और जिसकी वजह से वो इंजरी भी होती है, आप लाइट वेट को बड़ा कैजुअल ले लेते हैं। ये तो मेरे लिए बड़ा हल्का है, इसको तो ऐसे ही कर लूँगा। देखो, लाइट वेट आप खाली बार से भी ट्रेनिंग करते हैं ना, तो ये सोच के करें कि मैं अपने मैक्सिमम वेट पे हूँ। जिस तरह से आप हैवी वेट को करते हैं ना, पूरा फोकस हो गया, मसल माइंड कनेक्शन पूरा उसमें फोकस हो गया, वैसे ही लाइट वेट को भी वैसे ही एक्ट करना आपने। ये गलती खास तौर से एडवांस एथलीट करते हैं, बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, हर एक नहीं पर कोई कोई एथलीट कर लेता है। चौथा, आप ऐसे वेट पे चले गए जो आपकी कैपेसिटी से बाहर था। अगर आप 6 रैप या 8 रैप भी सेल्फ सही पोस्चर में नहीं लगा पाए किसी वेट से, तो आपने गलत वेट चूज कर लिया है। अभी उस वेट का आपका स्ट्रेंथ नहीं है, खासतौर से बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में चलता है वो, तो 3 से 5 रैप ट्रेनिंग पे काम करते हैं तो उनका चलेगा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में आप 8 रैप अगर सेल्फ नहीं लगा पाए पोस्चर सही रख के, तो आपने गलत वेट चूज कर लिया है। वेट को थोड़ा सा कम करें, बिल्कुल ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, ये भी इंजरी का बहुत बड़ा कारण है जिम के अंदर। लास्ट, कूल डाउन आप नहीं करते ना, आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, मसल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, स्टिफ रहेगा तो धीरे 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 वो आपको इंजरी के लिए इनवाइट करेगा, क्योंकि स्टिफ मसल ही जल्दी इंजर्ड होता है। तो इन 5 रीजन पे अगर आप काम करेंगे, इंजरी फ्री होकर ट्रेनिंग करेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग आप कंसिस्टेंटली चलेगी आपकी, और आप जल्दी चैम्पियन बनेंगे। तो आज का यही मैसेज है कि इन 5 चीज़ों पर आप काम करें, इंजरी फ्री रहें, जल्दी चैंपियन बने, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करें। थैंक यू।